नमस्कार, मैं आज आपको बताऊंगी कि डॉगी बार बार में बाइट क्यों करते हैं। इसका एक कारण है, ये जैसे अपन छोटे डॉगी को लेके आते हैं तो ये अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, यानी अपनी मम्मा अपने भाई बहन से दूर हो जाते हैं, और ये जो सीखते हैं उस टाइम में कि बाइट करते हैं, ये एक दूसरे के जो चीजें सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते हैं, इसलिए ये नो अंधी बात। जब इसको अपन अपने घर पे ले आते हैं तो ये अपने को बाइट करने लग जाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है, एक तो ये अपने भाई बहन से दूर हो जाते हैं, और जब ये अपने भाई बहन के साथ में रहते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, और उसका एक और कारण है, ये बाइट काटने के लिए नहीं करते हैं, ये बाइट काटने के लिए नहीं करते हैं, ये इसलिए अब इनका केवल मुंह ही तो होता है, अपने तो हाथ होते हैं जो अपन अब बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हाथ से हक कर सकते हैं, इनके तो केवल मुंह ही होता है, तो ये अपना प्यार जताते हैं उससे, काटते नहीं है, ये अपना प्यार जताते हैं, खेलने के लिए करते हैं ये बार बार में कि मैं मेरे साथ खेलो, और जब अपन ऐसे उनके मुंह में हाथ देते हैं ऐसे, ये देखिए नहीं काट रहे, नहीं दबाएगा वो बिल्कुल नहीं दबाएगा, क्योंकि वो समझता है कि भाई मेरे साथ में रहते हैं और वो भाई मैं इनसे प्यार करता हूँ, नहीं काटेगा, ये देखिए। पर अपन क्या गलती करते हैं, जब वो ऐसे ऐसे खेलने के लिए करता है तो अपने हाथ को अपन ऐसे जोर से खींच लेते हैं, तो उस टाइम में उसको पता नहीं चलता है, ये उसकी गलती नहीं रहती है, ये अपनी गलती रहती है, तो अपने हाथ को जोर से खींच लेंगे जब वो काट लेगा, वो काटता नहीं है पर वो बाइट हो जाता है उस टाइम पे, उसकी गलती नहीं रहती है, डॉगी कभी भी काटते नहीं है, वो बहुत समझदार होते हैं, वो देखिए नहीं काटते हैं, उसे प्यार जताते हैं, अपने उनका खेलने का तरीका होता है, उनके हाथ नहीं होते हैं, वो अपने मुंह से ही अपनी खुशी जताते हैं और खेलने के लिए करते हैं, इसलिए जब भी वो बाइट करें तो उसका एक सबसे आसान तरीका है, उनको मना कीजिए, एक चीज बोलिए, एक वर्ड बोलिए बार बार में, नो, कोई भी काम करे वो तो जोर से उसको बोल के यही कहिए, नो, ये तो जैसे खेलने के लिए, ये रस्सी है उसकी तो उसको खेलने के लिए कर रहा है, जैसे कि वो अपने बच्चे पे या अपने पे किसी भी ऐसे करे काटने के लिए, तो उसको मना कीजिए नो बोल के, तो वो समझ जाएगा, और बार बार अगर अपन यही वर्ड यूज करेंगे उसके लिए कि नो, तो वो नहीं करेगा। और बाइट करने का एक और तरीका होता है, जैसे अपने बच्चे होते हैं तो उनके भी दांत निकलते हैं, तो उनके दांतों में खुजली होती है मसूड़ों के अंदर, वही इनके साथ है, इनके भी दांतों में खुजली होती है, तो इनको कुछ चबाने का मन करता है कि मैं किसी चीज को बाइट करूं, तो ये ऐसे खिलौने आते हैं उनके, जो ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप आसानी से मंगा सकते हैं, इनके भी लिंक हम डाल देंगे, और ये इनको देने से दो तीन फायदे होते हैं इनके, एक तो ये कोई नुकसान नहीं करते हैं, और इनको ये आसानी से चबा पाते हैं, नो, और फिर भी अगर ये करें तो अपने बच्चों पे अपने पे, तो इनको एक ही वर्ड का यूज में लेना है अपने को कि नो, अगर बार बार में बोलेंगे अपन नो, तो इसको समझ में आएगा कि मैंने गलती की है और ये दोबारा नहीं करेगा, तो आप इस तरीके से आसानी से नो रखो। और ये हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, और अपने पास घर में कोई पुराने कपड़े हों जिससे अपन इनको इस तरीके से बना सकते हैं, घर में कोई ज्यादा वो नहीं है और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आपका डॉगी आपका कहना नहीं मान रहा है और आप उसको कोई नई चीजें सिखाना चाहते हैं, उसको कोई नई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर नया वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मैं फिर अगले वीडियो में एक नई चीज बताऊंगी इसके साथ, तारा के साथ।